हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। मैं अभी आप लोगों के सामने आया हूँ एक चीज़ को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे खबर ऐसा उड़ के आ रहे हैं कि एक न्यूज़ चैनल ये बता रहा है कि मुनव्वर नहीं हो सकते कतरों के खिलाड़ी में, मुनव्वर नहीं है कतरों के खिलाड़ी में, लीगल केस है, ये केस है, वो केस है। दुनिया भर का केस उनके ऊपर अभी डालना शुरू कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का केस है। ये हमें सबको पता है, उनके ऊपर उनका वाइफ का केस है, उनका एक ऑलरेडी एक कुछ रिलीजन के ऊपर एक केस है, वो सब साइड में कर देते हैं। भाई क्या दुनिया में किसी के ऊपर केस नहीं होता क्या? क्या वो फ्लाई नहीं कर सकता साउथ अफ्रीका? मेरे वीडियो देखने से पहले सब लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग के साथ फैक्ट के साथ ही बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा खबर सच्ची होगी या झूठी होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता, बट जितने चैनल्स ये खबर फैला रहे कुछ व्यूज पाने के लिए कि भाई मुनव्वर शो में नहीं हो सकते, भले उनकी खबर सच्ची भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी खबर झूठी ही होगी, बट एक पार्ट तुम लोग फैक्ट्स लाने के बाद ये खबर छापेंगे ना तो ठीक लगता है। चलो ठीक है, वो नहीं जा रहे तो फिर तुम लोग खबर छापो के नहीं जा रहे। अब कुछ पता ही नहीं, ना सर ना पैर, कुछ पता नहीं कि वो जा रहे या नहीं जा रहे, और उसके ऊपर तुम लोग खबर ये छाप रहे कि उनका केस है, ये है, फलाना दिन का है, ऐसा करके तुम लोग डाल रहे कि मुनव्वर फारूकी नहीं जा रहे, जस्ट तुम्हें कुछ व्यूज मिल जाए इसके लिए। इसलिए मैं आप लोग से, पब्लिक लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे खबर को फॉलो कीजिए, ऐसे न्यूज़ को फॉलो कीजिए जो पूरा फैक्ट जानने के बाद आपको खबर पहुँचाता हो, और ऐसे न्यूज़ को कभी फॉलो मत कीजिएगा जो कभी आपको कुछ सर ना पैर कुछ भी खबर आपको फैला देते हैं, बट आप कुछ एंटरटेन पाने के लिए, आपके कुछ दो मिनट की खुशी आपके चेहरे में स्माइल आने के लिए, वो झूठी खबर सुन के स्माइल आने के लिए आप वो न्यूज़ देखते हो। सच कह रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा ऐसे कुछ लोगों पर आ जाता है कि आप लोग जस्ट कुछ खबर वो बोल देते हैं कि मुनव्वर यहाँ पे आज अंजलि से मिलने के लिए गया, वो सुन के सब लोग खुश होके वो न्यूज को देख लेते, बट वो न्यूज रहती है फेक। कोई कहता है कि ये यहां से हुआ वहां से हुआ, वो हो जाती है फेक, तो बस वो फेक सुनने के लिए आपके चेहरे में दो मिनट का स्माइल आता ना, वो स्माइल के लिए आप लोग जाके न्यूज देखते हो। इस चीज से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि बहुत लोग ईमानदार से न्यूज के फैक्ट को जान के फ्री न्यूज बताते, आप लोग उस चैनल को विजिट भी नहीं करते हो। ठीक है, वो तो आप लोग का ऊपर, आप लोग का चॉइस है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम इस बात का है कि आप लोग जो न्यूज वाले होते हो वो बिना फैक्ट के क्यों बात करते हैं, जबकि फैक्ट है तब बात कीजिए, नहीं है तो न्यूज डालिए मत जब तक फैक्ट नहीं आ जाते। अब मेरे पास कोई फैक्ट, मेरे पास कोई खबर नहीं है कि मुनव्वर जा रहे या नहीं जा रहे। ठीक है, मेरे पास इतना खबर है कि मुनव्वर जा रहे, कि जितने भी हमने कतरों के खिलाड़ी के जितने भी अगर नहीं जाते होते तो क्या मुनव्वर वो कतरों के खिलाड़ी के वो इतना बेवकूफ चूतिया तो नहीं है ना कि जाके कतरों के खिलाड़ी का प्रमोशन करता, वहां पर जाके सब लोग के साथ जाके खड़े होकर हाथ भी मिलाता, इतना बड़ा तो चूतिया नहीं है मुनव्वर। हाँ, तो वो जाके सब लोग से मिलता क्यों, सब लोग से हाथ क्यों मिलाता, जब इतना बड़ा केस का क्या ये आज सबको पता चला कि केस है उसके ऊपर, क्या पहले पता नहीं है क्या मुनव्वर सबको, क्या उनके मैनेजमेंट को पता नहीं केस है, क्या रोहित शेट्टी को पता नहीं केस है, रोहित शेट्टी छोटे, क्या खतरों के खिलाड़ी के शो वाले को पता नहीं कि उनके ऊपर केस है? कुछ भी फालतू तुम लोग डालते रहते हो, बस कुछ कहीं से कुछ खबर मिल जाती है डालो, बस अपना व्यूज पाओ, अपना चैनल को ये बनाओ, पब्लिक को छूते बनाओ, पैसा कमाओ, ये लोग का काम हो गया, ये लोग का धंधा हो गया है। ठीक है, आप लोगों को भी बताता हूँ, मैं जो न्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मेरे भी न्यूज में ये नहीं कहता कि पूरी सच्चाई रहती है एकदम ही फैक्ट मेरा, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूँ कि मुझे कहीं से खबर मिली है वो फैक्ट को लेके मैं चलाता हूँ, लेकिन मेरी झूठी नहीं रहती है। मेरा जितना भी प्रोडक्शन आप जाके चेक कर लीजिए, लॉकअप का जितना भी मैंने वोटिंग का प्रोडक्शन किया हो, लॉकअप चोरी है मेरा, बिग बॉस 15 का विनर तक का मैंने प्रोडक्शन किया था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी खबर है, मैंने ये कहा कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं हमेशा प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं हमेशा प्रेडिक्शन पे मेरा न्यूज बनाता हूँ, मैं नहीं कि मैं ये कंफर्म करके बताता हूँ मेरी न्यूज सच्ची है। आप लोगों को मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, मुनव्वर फारूकी की तरफ से ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि वो खतरों के खिलाड़ी में नहीं जा रहे। मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी में, अब तक जितने भी न्यूज हमारे पास है कि खतरों के खिलाड़ी में जा रहे, वहां पे प्रमोशन में जाकर प्रमोट भी किया है खतरों के खिलाड़ी के, इसमें मुनव्वर फारूकी। हाँ, रही बात कुछ लोग कह रहे कि आज शो है, कल शो है, फलाना ढिकाना शो है, तो आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुनव्वर फारूकी का सैटरडे को एक दो शो है, संडे को एक शो है, उसके बाद मुनव्वर का 3 जून को एक गाना आने वाला है, और 3 जून को गाना उनका यूट्यूब में आ रहा है, कहीं जाके प्रमोट करने की जरूरत नहीं, तो मुनव्वर वहां पे जाकर साउथ अफ्रीका में रहकर भी बंद कमरे में प्रमोट कर सकता है, और नहीं तो मोबाइल हाथ में नहीं होगा तो नहीं करेगा, बाकी जो है नजिला कर लेगी या तो उनका टीम मैनेजमेंट कर लेगा। ठीक है, उसको मुनव्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और तीसरी बात है कि हाँ ये बात सच है कि 27 तारीख को आज खतरों के खिलाड़ी के कई सारे कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं। इससे मतलब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कई सारे कंटेस्टेंट जा रहे हैं और एक दो कंटेस्टेंट नहीं जा रहे। इससे पहले ऐसे पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ है कि खतरों के खिलाड़ी के एक दो कंटेस्टेंट या दो तीन कंटेस्टेंट लेट जाके वहां पे ज्वाइन हो जाते हैं। देखिए ये कंफर्म हो सकता है कि मुनव्वर फारूकी चलो कि शोर्स के कारण लेट पहुंच सकता है, क्योंकि ये बात मेरे पास जो न्यूज आई है कि 30 को इनका एक अंदर ही इनका एक शूटिंग होने वाली, जो इंट्रोडक्शन शूटिंग है 30 तारीख को होने वाली है। ठीक है, ये कंफर्म न्यूज है कि 30 तारीख की इंट्रोडक्शन शूटिंग होने वाली है। अब मुनव्वर फारूकी को 30 तारीख के अंदर पहुंचना है, कल 28 से परसों 29 है, परसों का भी फ्लाइट पकड़ के निकलेंगे तो जाके 30 तारीख का जो शूटिंग है इंट्रोडक्शन शूटिंग है वो कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो भी मुनव्वर फारूकी एज अ कंटेस्टेंट एक दो दिन के बाद भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि खतरों के खिलाड़ी के 6वें सीजन में 6 सीजन में एक खिलाड़ी था, उसका नाम पकड़ में नहीं आ रहा है, मैंने देखा था, मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उससे एंट्री किया था सर एक हफ्ते के बाद वाला, एक हफ्ते का सैटरडे संडे का एपिसोड छोड़ के अगले एपिसोड में आया था, क्योंकि इनका जो एपिसोड था सैटरडे संडे को आता है, तो सैटरडे का जो एपिसोड था संडे का एपिसोड में नहीं थे, तो अगला टास्क में आया था सैटरडे के एपिसोड में, वो आके ज्वाइन कर लिया था टीम को। तो ये होता है, अगर मुनव्वर आपको पहले हफ्ते में नहीं देगा तो दूसरे हफ्ते में दिख जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यूअर्स के लिए कुछ भी फेक डालो या फाक डालो कि भाई ये हो गया, ऐसा लहसुन हो गया, ऐसा अदरक बना दिया, भाई तुम लोग अपनी खिचड़ी मत पकाओ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुनव्वर फारूकी इतना बड़ा चूतिया नहीं है कि जाके वो खतरों के खिलाड़ी का प्रमोशन करता, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आप जो फैंस है आप लोग सब्र रखिए, देखिए कि मुनव्वर फारूकी की तरफ से कोई कंफर्मेशन आती है क्या कि नहीं जा रहा है, तब जाके बिलीव करना, नहीं तो कोई भी चैनल पे बिलीव मत करना। ठीक है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रूफली कह रहा हूं कि हमने जितना भी हमने उनका वीडियो देखा है वहां तक हमें यही समझ में आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी में जा रहा है। ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं आया सामने कि नहीं जा रहा है, भले बाकी लोग कह रहे कि शोज है ये है, शोज तो 28 और 29 का है यार, 29 का 12 बजे का शो भी करेगा, 3 बजे को निकल जाएगा तो रात को वहां पे जाकर साउथ अफ्रीका कैप्टन में पहुंच जाएगा अपना भाई, तो टेंशन नहीं है। तो और मुनव्वर हार्ड वर्किंग भी जाके वहां पर डायरेक्ट ज्वाइन भी कर लेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, खबर देखिए कि कहाँ से सच्ची न्यूज आ रही है, ये मत देखिए कि कौन क्या फेक फाक रहा है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में क्या है, कल तक मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी का प्रमोशन कर रहा था ना, कल आके किया ना, वहां पे आके खड़ा रहा ना सबके सामने, अगर कोई कोर्ट का मचेरा होता, कोर्ट का झंझट होता, या कोई लफड़ा होता बाहर का, या फिर शो का कोई प्रॉब्लम, ये ना वो ना, जो भी लोग बकवास फेंक रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो कल जाके खड़ा रहता क्या? इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है ना मुनव्वर फारूकी। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिए, फालतू न्यूज को इग्नोर करिए, मैंने ये नहीं कहूंगा कि मेरे न्यूज को सपोर्ट कीजिए, अगर आपको ठीक लगता है मैं जो कहा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।